नगर निकाय चुनाव चल रहा है, माहौल काफी गर्म है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इलेक्शन की राम राम, और इलेक्शन की राम राम करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं अलीगढ़, जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। पिछले 5 बार की अगर मैं बात करूं तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी का यहां पर निगम पर कब्जा था, और 1 बार यानी कि आखिरी बार की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर परचम लहराया था। लेकिन इस बार ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ तस्वीर है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ इलेक्शन की राम राम करते हैं। तो इस वक्त जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये अलीगढ़ का दिल कहा जाता है, मेन मार्केट है ये अलीगढ़ की, और यहां पर आज हम आए हैं बात करने के लिए कुछ लोग। यहां पर एक दुकान है जहां पर लोग खड़े हुए हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार निगम का चुनाव हो रहा है? हाँ सर, बढ़िया लग रहा है। माहौल तो बहुत गर्म है। नहीं, बीजेपी निकल जाएगी सर। निकल जाएगी? लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। कुछ नहीं, लेकिन हाँ है कि निकल जाएगी बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर बीजेपी के सर काफी टाइम हो गया बीजेपी को सत्ता में, और यहाँ रहता है बीजेपी का अलीगढ़ में। क्या लग रहा है सर, कुछ काम वाम हुआ है अलीगढ़ में? नहीं हुआ है। पहले से अगर देखा जाए तो काफ़ी क्षेत्रों में काम हुआ है, बाकी सड़कें भी बनी हैं, सभा साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार योगी जी का माहौल है और जनता भी तो यहाँ तो BSP का कब्जा था ना फिर तो? नहीं सर, BSP तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यहाँ से भाजपा का सीट हमेशा निकलता रहा है मेयर का, और पिछली बार थोड़ा सा BSP का रहा था, लेकिन इस बार योगी जी लेके जाएंगे। बदलाव होगा? बिल्कुल आएगा। तो देखिए, ये जनता है यहाँ अलीगढ़ की, उनसे हम बात कर रहे हैं। एक सर और बैठे हुए हैं यहाँ पर, दुकान है आपकी। क्या लग रहा है सर इस बार? BJP सीट निकलेगी, क्लियर निकली हुई है BJP की सीट। अच्छा। हाँ, अभी से लोग जश्न मना रहे हैं और बाकायदा जश्न मनाएगा। लोग तो कह रहे काम हुआ है अलीगढ़ में, बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके बाद अलीगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनी है, ट्रांसपोर्ट नगर बना है अलीगढ़ में, पूरा भाजपा ने बहुत विकास कार्य करा है। नहीं तो स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो निगम यहाँ पर कुछ किया है मेयर साहब? नहीं, मेयर साहब जो है पूरी अपेक्षा है कि पूरे कार्य करेंगे और पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे जो है। नहीं, पिछले 5 साल जो निकले उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसमें भी कार्य हुआ है, इतना तो नहीं हो पाया क्योंकि पूरा जो है बसपा की थी उसमें मेयर आपकी सीट, पर अब यह अगर ट्रिपल इंजन बनेगा तो बिल्कुल काम होगा, पक्का बनेगा, पक्का बनेगा, बिल्कुल विकास होगा। हाँ, विकास होगा पूरा जो है, कोई टक्कर नहीं है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, क्लियर सीट निकली हुई है। अच्छा, नहीं निकली तो? नहीं नहीं निकली तो कैसे नहीं निकलेगी, पूरे जनता का समर्थन मिल रहा है, सब लोगों का, सब समाज का समर्थन है, सीट निकलेगी। के लिए आगे आते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर चलेंगे, ये जो एक पूड़ी की दुकान है यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि निगम का चुनाव है और कितना माहौल यहाँ पर गर्म है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो अलीगढ़ में लगातार हम लोग घूम रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग पूड़ी खाने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सर निगम का चुनाव है, नगर निगम इस बार क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, BJP जीतेगी। अच्छा, बड़ा वोट छोटा वोट दोनों BJP को ही है। हाँ, कह तो रहे कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, BJP जीतेगी है, पक्का BJP जीतेगी। अलीगढ़ में काम वाम हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पक्का काम हो रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार निगम के चुनाव में? निगम के चुनाव, इधर आ जाइए, कैमरा इधर है। हाँ जी, निगम के चुनाव में इस बार BJP और विरोध टक्कर है, इस बार दोनों टक्कर है ना, लोग कह रहे हैं टक्कर है। जी है, इसकी रीजन है कि इस बार किसी नए कैंडिडेट को उन्होंने पार्टी से टिकट दिया है, जिसमें कि लोगों का विरोध भी हुआ था, जैसे कि आपको पता हो कि लोगों ने खुद विरोध भी किया था, लेकिन इस बार दिलचस्पी लोगों की कम दिखाई दे रही है, प्रचार प्रसार भी कुछ कम नजर आ रहा है आपको और दिलचस्पी भी कम है, तो टक्कर है। क्या लग रहा था टक्कर है? BJP वो तो कह रहे कड़ी टक्कर है। कहाँ जा रहे भाई साहब, आइए ना, कहीं कोई टक्कर नहीं है। नहीं है, ये तो टक्कर है। नहीं, आपका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, ना तो मैं इनके मन में गुस्सा, ना ही मेरे मन में गुस्से, लेकिन है। कौन आ रहा है सर यहाँ पर? जो डेवलपमेंट करेगा वो आएगा। ये तो थोड़ा पॉलिटिकली जवाब हो गया, राजनीतिक तौर पर हो गया। देखिए यहाँ पर टक्कर है दोनों BJP के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में, कड़ी टक्कर है।
लोग कह रहे हैं कि नहीं यार बीजेपी अच्छा कर रही है इस बार, जो जिसका सपोर्टर है वो तो वो कहेगा ही। जैसे अगर मैं साइकिल का सपोर्टर हूँ तो मैं ये कहूँगा, अगर वो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो वो कहेंगे। मगर कड़ी टक्कर है और अच्छा है ये डेमोक्रेसी के लिए कि टक्कर होनी चाहिए, एक तरफा चुनाव नहीं होना चाहिए। लग रहा है साइकिल दौड़ेगी? दौड़ सकती है बिल्कुल, चांसेस है। कह रहे साइकिल दौड़ेगी? नहीं, वो तो कह रहे एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। फूल दौड़ेगा फूल बाबा का, बाबा के साथ हैं। रोड नहीं देख रहे आप? हर चीज का लॉजिक होता है और लॉजिक के आधार पे ही जीत हार। क्या लॉजिक है? लॉजिक तो बताइए। लॉजिक जो है, आज 2014 से पहले 2017 से पहले आप यूपी और केंद्र को देखिए, 2014 के बाद में लोगों को महसूस हुआ कि विकास भी कुछ काम होता है। अरे वो तो 14 लोकसभा का चुनाव था ना उत्तर प्रदेश में, 2017 के बाद में विकास की गंगा बही है। जितने एयरपोर्ट 2017 के बाद यूपी में आए हैं। सर ये एयरपोर्ट निगम के चुनाव में एयरपोर्ट क्या करेगा? बात सुनिए, स्मार्ट सिटी जो दिए है यूपी के अंदर, सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी आए हैं और स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी आया है केंद्र की। और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन गया है, उसका काम चालू है। 2000 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का बजट आया, उस पर निरंतर आप देख रहे होंगे। आप पहले भी यूपी अलीगढ़ में आए होंगे और आज आप अलीगढ़ में आए हैं तो आप यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की लाइटें देखिए, यहाँ की ड्रेनेज देखिए, यहाँ की यातायात की व्यवस्था देखिए, यहाँ की लाल बत्तियों को देखिए और यहाँ का जो हाउस टैक्स सिस्टम को परिवर्तन। ये तो बीएसपी के मेयर ने कराया होगा ना? बीएसपी के मेयर पास पैसा कहाँ से आया? सरकार ने दिया ना, सरकार किसकी थी? कोई भी मेयर या कोई भी प्रत्याशी भाई घर से पैसा लेकर आया, सरकार देती है पैसा, खर्च तो उन्होंने किया, सबकी होती है। सरकार पैसा खर्च करना उनका मोटो है, उनका उद्देश्य है, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। पैसा खर्च करना पड़ेगा, जब सरकार देती है विकास के लिए तो विकास करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो जनता नकार देगी। ठीक है यहाँ पर कई लोग हैं, क्या लग रहा है सर जी? क्या लग रहा है निगम का चुनाव है? ये बीजेपी जीतेगी सर, बीजेपी जीतेगी। अभी एक भाई साहब मिले तो कह रहे साइकिल दौड़ जाएगी। सर बहुत शानदार काम कर रही है बीजेपी एक्चुअली। हाँ जी, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत बदलाव हुए सर। मेयर साहब ने कुछ कराया नहीं कराया? बहुत किया सर। बीएसपी के मेयर जी? बीएसपी के मेयर थे, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के थे? नहीं सर, उसके दिन गए सर। अच्छा गए, चलिए ठीक है। यार कुछ और लोग, क्या लग रहा है आप तो युवा है, यूथ है, चुनाव में दिलचस्पी है कि नहीं है जी? बताइए कौन जीत रहा? ये तो क्या दोनों में टक्कर है अभी फिलहाल, साइकिल और बीजेपी में। हाँ। और कोई नहीं? ना कांग्रेस बीजेपी तो कुछ है? वो कांग्रेस बीएसपी तो कहीं आएगी। साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल दौड़ेगी। इतने लोग खड़े वो तो बता रहे बीजेपी आ रही है इस बार। बीजेपी क्या ही बताएं, बाकी अगर मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी चरम पे है, ये आप जानते ही हैं। बाकी और सारे बहुत सारे मुद्दे जैसे सामाजिक न्याय और बाकी सारे। निगम का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है तो यहाँ पर तो बेरोजगारी तो स्थानीय हो या कहीं का हुई, बेरोजगारी तो पूरा यूनिवर्सल मुद्दा है ना, वो तो उसको हम नहीं कर सकते। तो ये युवा है, यूथ है, इनकी अपनी राय है, कुछ लोग यहाँ पर मिल रहे हैं उनकी अपनी राय है। क्या लग रहा है सर? बीजेपी पूरी खाते जिता देंगे, योगी जी बाबा गर्दा उड़ा देंगे एकदम। तो योगी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है यार? योगी जी हैं, बीजेपी है, काम से वोट होता है। हाँ। कुछ काम आम हुआ अलीगढ़ में कि बस ऐसे ही काम है? काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। काम ये हो रहा है कि कभी जो काम पिछली सरकार को करने चाहिए थे, जैसे कि रोडों पे पाइपलाइन पड़ रहा है, ये पहले होने चाहिए थे, ये अब गवर्नमेंट करवा रही है। यानी कि घोटाले पहले होते थे, अब घोटाले नहीं है, काम दिख रहा है। रोड खुदे पड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि रोड खुद रहे हैं, पर ये काम हो रहा है। पहले ना पानी था ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं था। लोग कह रहे हैं तो क्या 5 साल तक रोड ही खुदती रहेगी? भाई साहब ये बताइए, काम ये रोड बना हुआ ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है, अब इसको खोद के काम करे कार्य करेगा तो दिक्कत तो आएगी, समय लग जाएगा। और ये पहले से डाल ली होते तो दिक्कत ही नहीं आती। काम भी करना है, ट्रैफिक को भी चलाना है, जनता को भी चलाना है, सारी चीज होती है, पर काम हो रहा है। कमल खिलेगा? कमल ही खिलना चाहिए भैया। दूसरी सरकार का आ गया, दूसरी सरकार का बंदा आ भी गया गलती से तो आपको पता है वो क्या करेगा, पैसे कमाएगा, सिंपल सी बात। वो कह रहे साइकिल दौड़ ले, टक्कर हो सकती है पर अब तो बीजेपी आएगी। कौन आ रहा है सर? आइए ना आगे आइए, इतना पीछे क्यों? चुनाव है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। चुनाव नहीं, हम तो कचौड़ी खाने आए हैं, मेरे बच्चे भी खा रहे हैं वो देखिए। और कचौड़ी खाते खाते किसको जिता रही है तो बता दीजिए। ये तो पब्लिक है सर। अगर काम आम हुआ कि नहीं हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। बदलाव होगा? बदलाव तो करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, मजबूरी है, बदलाव तो होगा। डेफिनेट। चलिए ये कुछ